क्वेश्चन 41 में रेडियो एक्टिव मटेरियल दिया हुआ है, इसका हाफ लाइफ 10 मिनट्स है बच्चों, और वो कह रहा है शुरू में 600 न्यूक्लियाई हैं हमारे पास, मतलब ये टर्म एन नॉट का है और ये हाफ लाइफ दे दिया इसने। कितना टाइम लगेगा अगेन मिनट्स में डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई, मतलब ये वैल्यू एन की नहीं है, ये समझना है कि कितने हमारे पास बच गए हैं न्यूक्लियाई, तो हो जाएगा रिमेनिंग न्यूक्लियाई। शुरू में बच्चों अपने पास 600 थे और कितने यहाँ से निकाल देने हैं, 450, आंसर हो गया अपने पास 150, मतलब ये एन नॉट है शुरू वाला और ये उस इंस्टेंट वाला। जब सीधे सीधे हाफ लाइफ कंपेयर करने को प्रॉब्लम आता है तो एक फॉर्मूला चलता है चैप्टर में, एन डिवाइड बाय इनिशियल एन, है ना, एन बाय एन नॉट, इसको 1/2 कहते हैं और ऊपर एन लगा देते हैं। ये आ रहा है बच्चों 150 डिवाइड बाय 600 इज इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पे आ रहा है एन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 4, जो कि अल्टीमेटली हाफ का स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी क्या है, हाफ का एन है। तो सीधा सीधा क्या मिल रहा है अपन को, एन की वैल्यू 2 है, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 बोलो आगे हाफ लाइफ यूज कर रहा है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना कंज्यूम होगा, दो बार हाफ लाइफ मारा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ, ये हो जाएगा 2 × 10, दैट शुड बी 20, यहीं पे दिख रहा था अपन को आंसर 20 है और ये हो गया मिनट्स। ऑप्शन 4 को मार्क कर लो और एक और ऑर्थोडॉक्स मेथड देख लो। शुरू में अपने पास 600 आदमी है और लाने कहाँ पे हैं अपन को, 150 पे, ठीक है ना। तो इमेजिन करो हाफ लाइफ में होता क्या है, आधे चले जाते हैं, तो 600 है पहली बार हाफ लाइफ पड़ेगा तो कितने हो जाएंगे, 300, फिर हाफ लाइफ पड़ेगा तो फिर हो जाएंगे बच्चों हाफ लाइफ 150, है ना। तो दो बार हाफ लाइफ पड़ रहा है, मतलब यहाँ के 10 मिनट और यहाँ के 10 मिनट, ये मिला के कितने हो रहे हैं 20 मिनट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।